नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। करीब पावना अवतार भगवान श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से श्री माधुर्य कादंबनी जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित है उसका रसास्वादन गत अनेक सप्ताहों से चल रहा है। भक्ति के उदय होने का मूल कारण प्रारब्ध नहीं है और किसी वैष्णव की कृपा या पूर्व जन्म की हुई भक्ति के फलस्वरूप ही भक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न उठाया है कि जो भजन करते हैं उनको प्रारब्धवश दुख सुख आदि भी प्राप्त होते ही हैं, तो ऐसे भक्त भक्ति करते हुए क्या भगवान से अपने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, या जैसा कि कहा गया एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, भजन करते करते क्या वैष्णवों के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, क्या उनको दुख नहीं भोगना पड़ता, या भजन करते हुए बहुत सारे सुख उनके इर्द गिर्द नहीं रहते, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि भक्त और भक्ति एक पृथक राज्य है और सुख दुख कर्म प्रारब्ध एक पृथक राज्य है। हर वैष्णव को अपना प्रारब्ध प्राय भोगना ही पड़ता है, यद्यपि ऐसे अपवाद हैं लेकिन अपवाद कभी नियम नहीं होते, इसलिए नियम यही है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके कुछ अशुभ कर्म है वो भी भोगने पड़ेंगे पापों का फल, और साथ ही आपके कुछ पुण्य फल भी हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे मैंने वैष्णव देखे कि जिनको मोह माया वस्त्र इसमें आसक्ति नहीं है लेकिन प्रारब्धवश उसको उपलब्ध है, वो उनके लिए प्रयासरत नहीं है। एक बार अखंडानंद जी से किसी ने प्रश्न किया था, प्रश्न तो व्यंग्य में किया था कि महाराज आप हो तो सन्यासी, सब कुछ त्याग दिया, इतना बड़ा आपका आश्रम है, इतने बड़े मारवाड़ी चले चली हैं आपके, और इतना बड़ा आपका ऐश्वर्य है, ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा देखो भैया बात ये है कि ये सब हमारे प्रारब्ध वशता है, जैसे हमारे प्रारब्ध में कुछ पापों की फल सजा है, हमें कष्ट भी तो हो जाता है, हम इतने बड़े सन्यासी हैं। ये तब पूछा था जब उस समय अखंडानंद जी को बड़ी तेज खुजली थी और उनकी खुजली ठीक नहीं हो पा रही थी, तो बोले देखो जैसे मैं खुजली भी तो भोग रहा हूं, कितना बड़ा सन्यासी हूं, तुम्हारी नजर में हूं मैं तो कुछ नहीं हूं, तो ऐसे ही ये जो मंदिर देवालय ये सब है, ये सुख ये एसी ये सेवक ये नौकर ये चाकर ये चेले ये चेलिया ये सब मेरी प्रारब्ध वशता है, इनके प्रति मेरी कोई चेष्टा नहीं है। ऐसे ही इन प्रारब्ध में आए हुए सुख या दुख से वो भक्त
व्यग्र नहीं होते और प्रसन्न नहीं होते। किसी के किसी सच्चे किसी विशुद्ध किसी शुद्ध वैष्णव को यदि दुख आ जाए तो दुख से व्याकुल नहीं होता, ना वो कहता है प्रभु इससे तो मेरे को उठा दो, मेरे को मृत्यु दे दो, ऐसा कभी नहीं कहता। ठीक है, ये शरीर का भोग है, मेरे ही किए हुए कर्मों का भोग है, और ऐसे ही यदि उनको कुछ सुख प्राप्त हो रहा होता है तो वो इस बात का अहंकार भी नहीं करते कि मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मेरे 4000 चेले हैं, मेरा ये है मेरा वो है, उसका वो न अहंकार करते न आसक्त होते हैं। साथ ही जैसे आज चर्चा हो रही थी कि दुख को भोग लेने में ही सार है, दुख की निवृत्ति की प्रार्थना या इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो निवृत्त नहीं होता है, वो टल जाता है। यदि मैं आज मेरा कोई कष्ट आने वाला है और मैं अपने भजन का प्रयोग करके उसको निवारण करूं तो वो निवृत्त नहीं होगा बल्कि वो टल जाएगा, और किसी ऐसे समय में खड़ा हो जाएगा कि आज तो फिर भी मेरी हड्डी टूट गई तो मैं 2 लाख रुपया खर्च करके हड्डी में जोड़ लगवा सकता हूं, कभी किसी गरीबी में आके वो हड्डी जब टूट जाएगी तो और अधिक दुख देगी। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब भी जो भी दुख आए उसे प्रभु की इच्छा अपने कर्म फल का कर्म प्रारब्ध का फल मान के अनासक्त होके अव्याकुल होके उसे भोग लेने में ही सार है, और सुख हो या दुख श्री कृष्ण स्मृति सदैव बनी रहे। बात और इसमें उठाई है कि भगवान जो अवतार लेते हैं वह उनकी इच्छा से ही होता है, कोई मजबूरी नहीं है, उनकी इच्छा है कि वो अवतार लेते हैं। और दूसरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। लेकिन यह उनके अवतार का बाह्य कारण है, उनके अवतार का मुख्य कारण जो है वह है मदभक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। जैसे कई बार ऐसी बात होती है जो सबको बताने के लायक नहीं होती, जैसे हम अपने लड़के के लिए लड़की देखने या लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो आपस आपस में तो पता होती है, पड़ोस में पड़ोस में सामने ये कह के जाने, जरा हम दिल्ली जा रहे हैं कुछ काम था, हमारी ससुराल में किसी की तबीयत खराब है जरा वहां तक जा रहे, तो लोगों को ये पता चलता है कि ये किसी काम से दिल्ली गए हैं। लेकिन जो अपने अपने लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये लड़की के लिए लड़का देखने गए। तो भगवान जो है पब्लिक में तो ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना अधर्म का नाश और साधुओं की रक्षा
और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। अरे भाई आप बताओ, इतना बड़ा भगवान चक्र सुदर्शन उनके हाथ में, सृष्टि के संचालक वहीं बैठ के वो दुष्टों का नाश नहीं कर सकते हैं? वहीं से बैठ के वो धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं? वहीं से बैठे बैठे वो अधर्म का नाश नहीं कर सकते हैं? जिनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, सृष्टि का संचालन हो जाता है, उनको खुदाना पड़ता है इन छोटे मोटे कामों के लिए? नहीं, ये वही वाली बात है कि मैं जरा किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अंदर की बात कुछ और होती है। अंदर की बात वही है, मद भक्तानाम विनोदार्थम, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही लीला करता हूँ और उस लीला के लिए अवतार लेता। ये अंदर की बात है, क्योंकि हर बात का अधिकारी होता है। जैसे पैसे का लेन देन है, आभूषण की खरीदारी है, घर में और अनेक बातें हैं, वो सारी की सारी बातें सबको नहीं बताई जाती। कोई बात बहू से गोपनीय है, कोई बात पुत्र से गोपनीय है, कोई बात पड़ोसी से गोपनीय है, कोई बात ये जरा चला जाए तब करेंगे। तो अधिकारी के हिसाब से कई बार कुछ बातें घर में पता नहीं होती हैं और मित्रों को पता है, अधिकारी भी। आपकी कोई मित्र है, उसको आपकी कुछ बातें पता होंगी जो मेरे को पिता को भी पता नहीं, क्योंकि मैं उन बातों का अधिकारी नहीं। और कुछ बातें मुझको पता होंगी जो मित्र को पता नहीं होंगी, क्योंकि मित्र उस बात का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार जब अवतार होता है तो बाहर यही फैला रहता है अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अंदर की बात यह होती है। आज अवतार का प्रसंग भी आ गया और कल परसों कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो अच्छा है कि कृष्ण जन्म पर यह चर्चा हो गई। तो कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतीर्ण होते हैं, और कृष्ण के बारे में यह अब प्रचलित हो चुका है, अब भ्रम नहीं है कि कृष्ण वसुदेव नंदन के रूप में मथुरा में अवतार लेते हैं, साथ ही नंदगांव में नंद नंदन के रूप में भी कृष्ण अवतार लेते हैं, और यशोदा मैया को दो बालक होते हैं, एक कृष्ण होते हैं और एक उसकी बहन योगमाया होती है। तो जब वसुदेव जी उस अपने पुत्र को सूप में यमुना से पार कराते हुए यहाँ नंद भवन में लाते हैं, तो जिस प्रकार वहां सब सो गए, या के पहरे वारे सो गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, शेषनाग ने छाता कर दिया, उसी प्रकार नंद भवन में भी यशोदा के कब दो संतान हुई कि एक हुई है किसी को पता नहीं चला, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो लोकवत हैं, लौकिक नहीं है। वो एक हमारी आपकी तरह साधारण बच्चे की तरह डिलीवरी नहीं होती है, केवल ऐसा लगता है कि भैया को छोड़ा भयो के छोड़ी भैया, भैया का गर्भ भी दिखने लगता है, लेकिन वो अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, वो विभू तत्व है। वो सब लोक में जैसा होता है यदि वैसा नहीं दिखावा करेंगे तो अविश्वसनीय हो जाएगा। तो लोगों में लोक में विश्वसनीयता बनी रहे तो वो सारे उस तरह के नाटक वो सब होते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु की लीला विचित्र है, लोकवत है, अलौकिक है, ईश्वरीय भगवतीय लीला है, वो भगवान है। तो यशोदा मैया को ये पता ही नहीं चला कि चोरा चोरी है। वसुदेव जी आए, यहाँ भी सब सोए गए, यहाँ के पहरे वाले, यहाँ तो कोई पहरेदार नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी थे, वसुदेव जी कृष्ण की प्रकाश, वसुदेव नंदन के प्रकाश से ही अंदर चले गए, प्रसव गृह में चले गए, यशोदा के पास पहुंच गए, उन्होंने देखा भगवान के
जिसके एक लाली यहाँ है उनको यशोदा नंदन कृष्ण नहीं दिखे, योग माया के प्रभाव से। योग माया कृष्ण की इच्छा शक्ति है, लीला शक्ति है, और योग माया कृष्ण से भी अधिक जानती है कि अब क्या लीला होनी है। कृष्ण कभी भूल जाते हैं तो योग माया सहायता करती है, तो योग माया साथ में थी इसलिए उनको योग माया दिखी और यशोदा नंदन नहीं दिखे। वसुदेव ने अपने नंदन को जैसे ही बिस्तर पर सुलाया, यशोदा नंदन और वसुदेव नंदन एक हो गए, दोनों मिल गए और वसुदेव जी योग माया को उठा के ले गए। और योग माया को जाके जब कंस ने उठाया तो सात बच्चों को, छह बच्चों को मारने वाला कंस, उसके हाथ से एक बालिका कैसे छूट गई, और छूटी तो छूट के जाके आकाश में प्रकट हो गई और डंके की चोट पर कह गई है, कंस तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है और तेरा अंत समय आने वाला है, तू बच नहीं सकता। और योग माया में चली गई और कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती रही। और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि में प्रकट हुए, सारे ब्रज में आनंद छा गया। ये रात्रि की बात है, सुबह होते ही नंद महोत्सव शुरू हो गया कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो आज इस भगवान कृष्ण जन्म लीला के साथ यहाँ विश्राम देते हैं। अगले सप्ताह शरीर रहा और धाम में रहे, जन्माष्टमी 6 सितंबर की है, कहीं कहीं 5 की भी है, कहीं जहां 5 की हो वहां हम लोगों को जाना चाहिए, उस उत्सव में शामिल होना चाहिए, 2 दिन आनंद मनाना चाहिए। और जहां 6 की, हमारी 6 की है, बिहारी जी राधा रमन में, हमारी गौड़ीय संप्रदाय में सब जगह 6 की ही है, तो 6 की जन्माष्टमी मनाएंगे, आनंद लेंगे। और 7 को नंद महोत्सव होगा, यहाँ नंद महोत्सव का संकीर्तन होगा प्रातः 9-10 बजे, आप सब लोग आइए, आनंद मनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।